तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अगला समन गॉड यहाँ पे था ना मॉन्क, वो यहाँ पर आता है। हमारे मेन कैरेक्टर को मालिक बोलता है, पब्लिक देख के चौंक जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो चलो यार, मालिक बोल दिया ठीक है यार, घुटने पे आके ऐसे माफी वाफी यहाँ पे मत मांगो। वो जो छोटा मॉन्क था ना वो भी कहता मार्शल अंकल, उसको मालिक यहाँ पे कह रहे हो यार अंधे हो गए हो क्या? वो कहता भाई मैं अंधा यहाँ पे नहीं हुआ, ये मेरे मालिक यहाँ पर है और तू यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं सकता। शेड में यहाँ पे लौट जा, मैं तुझे सजा यहाँ पे देता हूँ, शेड से बाहर ना तू लगभग 10 साल के लिए आ ही नहीं सकता। तो वो भी सामने से कहता ओके ठीक है नहीं आऊंगा। उसके बाद हमारा मेकटर वो आता पांचवे भाई के पास और कहता भाई तो क्या बोल रहा था कि भाई भगवान भी मुझे बचा नहीं सकता, कोई आ गया मुझे यहाँ पे बचाने के लिए, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो सामने से आता डर और कहता नाना यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों भाई यहाँ पर है, तुम अपने भाई को नहीं मार सकते। तो जो गार्ड यहाँ पे था ना, गार्ड भी सोचता भी मरवाने की कोशिश तो तूने यहाँ पे की थी भाई का, उस समय तेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया क्या? हमारा मेकटर कहता वाह यार भाई हम लोग भाई हैं, अब तुझे यहाँ पे याद आ गया जब वुल्फ ने मेरे पे हमला किया था और जब गार्ड मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे थे, तूने गार्ड को यहाँ पे मना कर दिया। इससे पहले भी तूने मॉन्क बुलाया मुझे मरवाने के लिए, मेरे पे गंदे गंदे इल्जाम यहाँ पे लगवाए और मुझे प्रिंस की पोजीशन से निकाल कर बॉर्डर पे काम करवाने के लिए भेजा, यानी तूने इतना सब कुछ किया मुझे मरवाने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा बिल्कुल भी ना? तू आज मरेगा। इतना बोल के अटैक करने को तैयार था, गार्ड यहाँ पर रोक देता और कहता आई नो बड़े बुरे हैं, बड़े कमीने यहाँ पर है, हरामजादे मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके भाई हैं, अगर ये बात बाहर फैले कि भाई एक भाई ने अपनी भाई की जान निकाल ली है तो बुरा हो सकता है, जान से मत मारिए। जो मॉन्क है ना वो मॉन्क भी यहाँ पे कहता है कि भाई हाँ यार हर आदमी को एक मौका यहाँ पे मिलता है, इसको मौका दे दीजिए, जान से मत मारिए। सामने हमारा मेक अटैक कहते नहीं, कुछ आदमियों को मौका मिलता है आदमी सुधर जाते हैं, ये कमीना नहीं सुधरेगा, ये जिंदा रहेगा ना और मासूम लोग को मारेगा, इसने खाली मुझे मारने की कोशिश नहीं की, हजारों मासूम लोग को इसने मारा, इसलिए तो मरना डिजर्व करता है। मॉन्क कभी भी रोकने की कोशिश करने वाला बीच में अपनी दाजी और आते भाई कुत्ता और रोक देते हैं। दाजी कहती है टकले बीच में मता, अपने डॉगी कहता भाऊ 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 भाऊ, तो बेचारा मॉन्क भी कुछ कर नहीं पाता और हमारा जो क्या बोलते हैं पांचों भाई ना वो डर जाता कि भाई मैंने बहुत गुस्सा दिला दिया तीसरे भाई को, कुछ भी हो जाए वो आज मुझे मारेगा, अगर मुझे अपनी जान यहाँ पे बचाना ना तो दूं दबा के यहाँ से भागो। तो गार्ड के यहाँ पे धक्का देता है और भागने के लिए निकल जाता है। हमारा प्रिंस भी देखता है अच्छा तू भागने की कोशिश कर रहा है, लेट हो गया है अब भाग नहीं पाएगा, इतना बोलकर अपना भाला लेता है और भाले से अटैक करता है। तो जो भाई यहाँ पे था ना पांचों भाई वो भी तलवार निकाल के कुछ प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन कर नहीं पाता, भाला लगता है और छाती कार पर होता है, वहीं पे मौत हो जाती है। हमारा मैं कटा भी कहता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और जब अगला जन्म यहाँ पर हो ना अगले जन्म में अच्छा आदमी बन के पैदा होना। और हमारा मैं कटा मनी मन सोचता है कि पांचे भाई को मार के जो बदला लेना था ना वो जो मेन बॉडी का मालिक यहाँ पे था ना उसका बदला था, उसका बदला यहाँ पे पूरा हो गया, यानी जो कुछ है ना अभी पूरा का पूरा बॉडी मेरे से बिलोंग करता है और अपनी कल्टिवेशन के यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। सिस्टम लिखे आता बधाई हो यार आपने इसको जान से हमारा फाउंडेशन बिल्डिंग का पहले लेवल का था, हाँ तो बदले में आपको 100 ऐसा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और जो मिशन यहाँ पे था मेन इसको मारने का उस मिशन के बदले आपको 10,000 पॉइंट यहाँ पे मिलता है और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई आपको ये भी मिलता है, अरे क्या बोलते हैं लॉटरी मारने का एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। हाँ तो जो 10,000 पॉइंट मिला था ना उससे इसका लेवल अप यहाँ पे कर दिया जाता है और गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पर डायरेक्ट आ जाता है। हमारा मैं कट अभी देखता हूँ गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पर डायरेक्ट आ गया, सिस्टम में लिखा था गोल्डन कोर पर जाने के लिए बधाई हो, तो फिर से आपको गॉड सुमन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। हमारा मैं कट देखता चलो भाई गोल्डन कोर पर आ गया ना और गोल्डन कोर पर जाने पर हेवेली ट्यूलेशन यहाँ पर आता है, हेवेली ट्यूलेशन में बिजली आएगा और मुझे सहना ये बिजली गिरा दे यार, हाँ तो आसमान से बिजली आता गिरता है इसको ज्यादा घंटा असर होता नहीं है, चिल्लाता भी और लाओ यार यही बिजली था, इस बिजली में तो ज्यादा दम यहाँ पर है ही नहीं। तो गार्ड यहाँ पे देखता क्या रे बाप ये बिंदास अकेले बिजली यहाँ पे सह रहे, इनको तकलीफ ही नहीं हो रही यार, मानना पड़ेगा बड़े क्रेजी आदमी है। अपने जो दाजी है ना उसको टेंशन होने लग जाता है, कह रहे यार आई डोंट नो मालिक यहाँ पे पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, अपना डॉग कहता अपने मालिक किसी से कम नहीं है, टेंशन मतलब वो पूरा कर लेंगे। हमारा जो था ना ये मॉन्क आया था वो मॉन्क भी देखता यार सॉरी मालिक बड़े तगड़े यहाँ पर है वो कर लेंगे, वो पक्का कर लेंगे। हमारा मैकेटा कर लेता है कुछ भी हटसर नहीं हुआ था, वापस आता हूँ कहता वाह यार बिजली सहने पर तो मजा यहाँ पर आ गया, मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है ना मसाज यहाँ पे मैं रहता, चलो काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। पीछे से दाजी आती है वो कहती है आर राइट अब ठीक हो, आपको कुछ हुआ नहीं ना? हमारा मैकेटा कहता मुझे क्या ही होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े हल्के से गंदे हो गए तो मैं नहाने यहाँ पे जा रहा हूँ, मिलता हूँ बाय, इतना बोल के नहाने के लिए निकल जाता है। मॉन्क यहाँ पे देखता भाई मानना पड़ेगा बड़े जीनियस और बड़े टैलेंटेड मेरे मालिक, लेकिन आई डोंट नो ये डेमो लोग उनको काय को फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली जो अपनी दाजी है ना वो दाजी भी कोई ऐसा गॉड नहीं कहलाएगी बल्कि वो भी एक टाइप की डेमोन है, क्योंकि वो फॉक्स यहाँ पर है ना और डॉग, और डॉग तो भाई जानवर ही, तो यानी वो भी एक हिसाब से डेमोन ही कहलाएगा। ये जो मॉन्क है ना एक इंसान यहाँ पर है, जो वॉरियर यहाँ पर है तो वो भी एक इंसान यहाँ पर है, हाँ तो ये सब गॉड की कैटेगरी में आएंगे। हाँ तो अपनी जो दाजी है वो भी समझो वो भी फॉक्स आई मीन डेमोन की कैटेगरी में आती है, इसलिए अपना मॉन्क सोच रहा था कि भाई डेमोन लोग ना आई डोंट नो इनके साथ काय को यहाँ पर रहते हैं। अब आते हमारे मेकअप डबे जो कि ऐसा नहा रहा था और नहाते नहाते लॉटरी मारने का वापस ऑप्शन है ना, तो ये फिर से लॉटरी मारने को तैयार था और कहता पिछवा तूने मुझे दाजी का बरा दे दिया था, इसमें मुझे दाजी का बरा या चड्डी मत दे देना या मुझे कुछ कमाल का देना, हाँ तो सच्ची में कमाल का मिलता है। हवेली आर
यारमर नाम का कारमर मिलता है, ये भी देखता हुआ यार यारमर तो बड़ा तगड़ा है यार आजा, लेकिन आता नहीं है। तो लेके आता, अभी अपना ब्लड यहाँ पे डालोगे ना तो जाके आपका बनेगा। तो अपने ब्लड का बूंद लेता है, आर्मर पे डालता है, तो आर्मर इसका बनता है और आर्मर डरे का इसकी बॉडी से चिपक जाता है तो कूल लगने लग जाता है। ये भी कहता वाओ क्या आर्मर है भाई, क्या मैं कूल यहाँ पे लग रहा हूँ, हमें पहन तो लिया, उतारू कैसे, जैसा बोलता है उतारू उतने में उतर जाता है अपने आप पूरा का पूरा। तो ये भी कहता भाई इतना अचानक से मत उतारना वरना डरते रहते उतारा ना हाँ तो भी मेरी इज्जत का फरौदा हो जाएगा। ओके ठीक है भाई, मुझे भाई गॉड समन करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आया था, चलो यार गॉड भी समन यहाँ पे कर लेता हूँ। हाँ तो गॉड भी यहाँ पे समन कर लेता है, वही भाई कुछ दिखाता नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, हमारा मेकअप तभी समझ आता है भाई ऐसा ही लगता है हाँ कल या परसों तक ना पक्का यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए अब चलो यहाँ से वहाँ से निकलने को तैयार था, एक बुढ़ा सामने आ जाता है तो हमारा मेकअप तभी देख के डर जाता है, अरे बाप रे तुम यहाँ पे कौन हो, बुढ़ा बताता है टाई भाई मेरा यहाँ पे नाम है, मालूम है क्या मैं सिकुलेशन में आराम से बैठा हुआ था हाँ, तो भाई सोचा क्यों ना आ जाऊँ और आपको अपना मालिक यहाँ पे कहूँ, इसलिए मालिक में आ गया। यानी ये समन वाला सिस्टम में भी लिखा था टाई भाई इसका नाम है और हेवनली मोटर ट्रांसफॉर्मेशन के ये चौथे लेवल पर है, यानी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के भी ऊपर लेवल का यहाँ पर है और इसका लॉयल्टी है ना 90% यहाँ पर है। हमारा मेकअप अभी देखता है अच्छा भाई ये मेरा समन किया हुआ गॉड है भाई, मुझे लगा कल ये परसों आएगा, ये तो अभी यहाँ पर आ गया। मुझे याद है जो डॉग है ना जर्नी टू डॉविश जो कहानी थी उस कहानी का डॉग है और ये भी उसी कहानी का बुढ़ा यहाँ पर है। अब कहानी में एक दूसरे को जानते हैं, आई डोंट नो रियल लाइफ में ये दूसरे को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। सो खुशी इस बात की थी इसका जो लेवल है इसका लेवल बड़ा हाई यहाँ पर है, इससे जो क्यू आर फाइनिंग फाउंडेशन बिल्डिंग गोल्ड को लेवल होता है उसमें जो मैक्स है ना वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसपे दाजी यहाँ पे थी, लेकिन ये जो गॉड यहाँ पर आया ना भाई टाई भाई यार इसका लेवल है ना हवेली मोटल लेवल पर है, इसके ऊपर भी मतलब वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है ना येलो स्टेज अर्थ स्टेज और क्या बोलते हैं उसके ऊपर यहाँ पर आता है मोटर स्टेज और फिर यहाँ पे आता है हवेली मोटर स्टेज और ये बुढ़ा हवेली मोटल पर है। यानी अगर ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे भी आ जाएंगे ना दाजी से स्ट्रॉन्ग बंदे तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये बुढ़ा मुझे बचा लेगा। इससे कहता बुढ़े जी आइए बाकी दोस्तों से मिलाता हूँ, वो भी कहता ओके ठीक है। लेकिन जैसे बापा उस एरिया में आता ना एरिया बर्बाद हो रखा था, लड़ाई वड़ाई हो रखा था, वो जो मॉन्क है ना वो हमारी दाजी और डॉग के साथ फाइट कर रहा है क्योंकि वो मॉन्क है उसको डेमोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपनी दाजी और डॉग वो दोनों डेमोन यहाँ पे थे ना। तो दाजी कहता भी है कहती भी है कह रही यार हम लोग उनके गुलाम यहाँ पर है तुम ऐसे अटैक नहीं कर सकते, मॉन्क कहता भी तुम लोग गुलाम यहाँ पे थे अब तुमको गुलाम रहने की जरूरत नहीं है जा सकते हो, मैं यहाँ पर आ गया। अपना डॉग गुस्सा कहता है कि साले का तुम गुलाम उनका नहीं ना होता तो भाई मैं तेरे को ना कब का मार यहाँ पे डालता। हमारा मेकअप अभी आ गया था और कहता भाई क्या हो रहा है यार तुम लोग आपस में फाइट कैको करे रुक जाओ, फिर जैसे और आगे जाता है ना नोटिस करता भाई फाइट लगता बहुत ही तगड़ा हुआ भाई इतना एरिया कितनी बर्बाद यार लेकिन क्यों लोग आपस में फाइट कैको करे। मॉन्क यहाँ पे बताता सुनिए यार दोनों डेमोन है, डेमोन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने का, ये दोनों को छोटे मोटे डेमोन ये डेमोन किंग लेवल के डेमोन यहाँ पर है यार प्लीज इनको अपने साथ यहाँ पे मत रखिए धोखा देंगे। जो सुनते दाजी कहती भाई तू ये कह रहे कि हम लोग धोखा देंगे तेरा क्या भरोसा भाई तूने धोखा दे दिया तो। जो सुनते मॉन्क कहता नहीं हम मॉन्क यहाँ पर है, हम मॉन्क बड़े भरोसे वाले होते हैं हम किसी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, मालिक को तो हम बिल्कुल भी धोखा वोखा यहाँ पे नहीं देंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी भाई इनके बीच में जम नहीं रही, देखते भाई आगे क्या होता है, सच्ची में नहीं जमेगी या फिर कुछ जो होगा देखा जाएगा, मजा ही आएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।